मैं जहां पे रहता हूं, कल हमारे एरिया में कुछ बच्चे ये छोटे छोटे किटन्स को छोड़ के भाग गए। ये लोग इतना रो रहे थे, वहां पे बारिश आ रही थी, तो मैंने उनको उठा के घर पे लेके आया। कल पूरा दिन इन्होंने चिल्लाया है। अभी इस डॉगी को अपनी माँ समझ के देखिए, ये दूध पीने की कोशिश कर रही है, ये छोटी सी किटन। आप देख सकते, ये एक डॉगी को अपनी माँ समझ रही है। तो आप, ये बहुत ही इमोशनल दृश्य है दोस्तों। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ऐसे कोई भी किटन या पपी को अपनी माँ से अलग ना करें, उसे अपने एरिया से डिसलोकेट ना करें, ये एक ऑफेंस है। मैंने कल बहुत कोशिश की इसकी माँ को ढूंढने की, लेकिन मैं नहीं ढूंढ पाया। और अभी मैंने इनको अडॉप्शन में भी डाला है, मैंने इनको डीवॉर्म करके रखा है, तो ये थोड़ा थोड़ा खाना तो खा रहे हैं, लेकिन ये बहुत छोटे हैं, इनको अपनी माँ का दूध का ही आदत है। इसके लिए डॉगी को अपनी माँ समझ के दूध पीने की कोशिश कर रहे। तो प्लीज दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट है, डॉग्स और कैट्स को अपने ही एरिया में रखें। अगर आपको कुछ तकलीफ दे रहे हैं, तो वो एक दो महीने की बात है, एक दो महीने के बाद में डॉग के पपीज और कैट के किटन्स बड़े हो जाते हैं और फिर वो एरिया से दूर चले जाते हैं। तो थोड़ा आप लोग कोऑपरेट करिए, और ऐसा बिल्कुल ना करिए कि उन्हें अबेंडन करिए, अपने एरिया से निकालिए, और कहाँ पे डस्टबिन में ना फेंके, क्योंकि ये लोग रो रो के बहुत तड़प के मर जाते हैं, बारिश में भीग जाते हैं, कार एक्सीडेंट में मर सकते हैं, या और कोई दूसरा डॉग इन्हें मार सकता है। दोस्तों, ये बेजुबान जानवर की हाय बहुत बुरी होती है। इनकी जो बद्दुआ होती है ना, ये लोग जुबान से नहीं देते, ये लोग दिल से बद्दुआ देते। अभी इन छोटे मासूम किटन की माँ कहीं पे रोके दिल से बद्दुआ देती रहेगी कि जिसने इसके बच्चे को डिसलोकेट किया वो बर्बाद हो जाए। और सेम ये छोटे किटन्स अपनी माँ के लिए यहाँ पे रो रहे हैं, और ये मासूम कुत्ती को अपनी माँ समझ के दूध पीने की कोशिश कर रहे। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, ऐसा मत करिए आप, और इन्हें जहां पे है वहां पे रहने दीजिए।